नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। तो आज के सेशन में एक मेमोरी बेस्ड पजल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पजल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑनगोइंग जो SBI PO प्रीलिम्स है 2019 का, उसी में पूछा गया कि एक पजल है। पजल का लेवल इजी टू मीडियम है। 3 मिनट्स, 3 से 4 मिनट का खुद को समय दीजिए। कुछ समय में पजल आपके सामने आएगा, एक अटेम्प्ट दीजिए। अटेम्प्ट देने के बाद प्ले करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पजल। हाँ जी, पजल आपके सामने है, एक बार पॉज कीजिए, खुद को 3 से 4 मिनट का समय दीजिए और उसके बाद पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखिए। पजल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SBI PO Pre 2019 में पूछी गई पजल है ये, या आगे भी आपके जो एग्जाम्स आएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या दिया गया है। मंथ बेस पजल है, 8 लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट महीने में ईयर के बॉर्न हैं। मार्च से लेके दिसंबर तक का आपको समय दिया जा रहा है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले बेसिक आउटले, मार्च से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मार्च से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक बार। हाँ जी, सबसे पहले मार्च लिखा, देन अप्रैल, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फाइनली आ गया आपके पास दिसंबर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब जो भी महीने लिखे हैं उनके सामने नंबर ऑफ डेज भी लिख लीजिए, क्योंकि हमेशा जब भी मैंने आपको मंथ बेस पजल के सवाल सॉल्व करवाए हैं, आपको मैंने हमेशा कहा है कि उस महीने में कितने दिन है, 30, 31, 28, जो भी दिन है वो एक बार लिख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आता है आगे। तो मार्च में है 31, अप्रैल में 30, जून में भी 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और दिसंबर में भी 31, ठीक? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वी इज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ्स विच हैव 31 डेज, आफ्टर मार्च है बट बिफोर अक्टूबर है, मतलब मार्च के बाद आएगा और अक्टूबर से पहले। ऐसे कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन है जो मार्च के बाद और अक्टूबर से पहले आते हैं? सर एक तो है जुलाई और दूसरा है अगस्त, तो सर दो केसेस तो यहीं पर बन जाएंगे आपके, तो जल्दी से अपने बना देते हैं। ठीक, थोड़ा सा लाइन बनाने में प्रॉब्लम हुई। चलिए एक में जुलाई में भी रखते हैं, एक में अगस्त में भी रखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टू पर्सन आर बॉर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में दो व्यक्तियों का जन्म हुआ है, तो एक बार ऊपर रखते हैं केस वन में, एक दो यहाँ पर आ गया डब्ल्यू, इसमें भी ऊपर रखते हैं, एक दो ऊपर आ गया डब्ल्यू। अब सर और भी केसेस बन सकते हैं, किस प्रकार मैं आपको बना के देता हूँ जल्दी से। वी को यहाँ रखिए, वी को यहाँ रखिए, अब डब्ल्यू को क्या कीजिए, यहाँ पर आपने ऊपर सेट किया था, अब नीचे करिए, एक दो का गैप यहाँ पे आया डब्ल्यू, एक दो का गैप यहाँ पे आया डब्ल्यू, तो चार केसेस बन चुके हैं। आगे बढ़ते, ओनली वन पर्सन इज बॉर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ, तो एक दो आर, एक दो आर, इसी प्रकार एक दो आर, एक दो आर, ठीक है? आगे बढ़े, एज मेनी पर्सन आर बॉर्न बिफोर आर इज वन लेस देन द नंबर ऑफ बॉर्न आफ्टर पी, मतलब पी के बाद जितनों का जन्म हुआ है वो आर से पहले जिनका जन्म हुआ उससे एक ज्यादा है। तो आर से पहले कितनों का जन्म हुआ है, केस वन में देखिए दो का, तो पी के बाद होगा तीन का। आर के पहले कितने, एक दो दो का, तो पी के बाद होगा तीन का, तो एक दो तीन यहां पर आ गया पी। चलिए सेकंड में देखेंगे, आर से पहले कितनों का हुआ, एक दो तीन का, पी के बाद होगा चार का, तो एक दो तीन चार यहाँ पर पी आना चाहिए, पर यहाँ तो पहले से आर है, इसका मतलब ये केस हो गया आपका सीधा सीधा एलिमिनेट। आगे बढ़िए, आर से पहले एक दो तीन चार का, तो पी के बाद पांच का, एक दो तीन चार पांच यहाँ पर आ गया पी। आर से पहले एक दो तीन चार पांच का, तो पी के बाद छह का, एक दो तीन चार पांच छह पी आ गया यहाँ पर, ठीक है? एक केस एलिमिनेट हो चुका है। आगे बढ़ते, एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आर एंड टी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एस एंड आर, मतलब आर और टी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एस और आर के बीच में है, तो आर ये रहा। अब एस ऊपर के लिए जगह नहीं है क्योंकि ऊपर एक ही स्पेस है, उसके जस्ट नीचे लिखे थ्री। अब आर और एस में जितना गैप है उतना ही आर और टी में है, इसका मतलब एस या तो ऊपर होगा तो टी नीचे होगा, या फिर टी ऊपर होगा और एस नीचे रहेगा और दोनों में गैप सेम रहेगा। अब सर ऊपर तो कहीं जगह ही नहीं है, सिर्फ एक ही स्पेस है,
और यहां पर अगर उतनी स्पेस पे रखा जाए तो वी रखा हुआ है, तो सर कोई भी यहां पर ऐसा केस नहीं बनेगा जिसमें आप टी और एस के ऐसे अरेंजमेंट बना सके जिसमें सेम गैप रहे आर से। तो सर ये तो सीधा का सीधा एलिमिनेट हो गया, इस पे भी आ जाइए। अब सर एक दो का गैप देके यहाँ पे रख लीजिए और उसी प्रकार एक दो का गैप रख के यहाँ रख लीजिए। अब आर ऊपर ऐसे रहेगा या ऊपर टी रहेगा, इसके लिए एक बार आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। जैसे ये पढ़िए, यू इज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर एस, मतलब यू का जन्म एस के बाद होगा। तो चलिए इसमें आ जाते हैं, एक दो का गैप, एक दो का गैप। अब दो का गैप देखिए, अगर आप एस को यहाँ पर रख लेंगे और आपको यहाँ पर पता है कि यू का जन्म कब होता है, एस के बाद, पर सर एस के बाद तो जगह ही नहीं है, इसका मतलब एस यहाँ पर नीचे नहीं रह सकता, एस आ जाएगा ऊपर। तो एक दो का गैप आ गया एस, एक दो का गैप आ गया टी, ठीक है कोई प्रॉब्लम, यही चीज इसमें करेंगे। एक का गैप यहाँ पर आ जाएगा आपका एस, और नहीं, इसमें भी नहीं हो पाएगा, एक के गैप के साथ तो यहाँ पे डब्ल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप अरेंजमेंट वो वाली कारण नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सेम गैप पे एस ओ टी आप नहीं बिठा पा रहे। तो सर सिर्फ एक ही केस बचा है और वही आपका ट्रू केस है। चलिए और क्या बोला है, यू इज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर एस, तो यू आ जाएगा यहाँ पर। अब यू यहाँ पर आ गया तो क्यू ऑटोमेटिकली, जो एक ही बचा है, एक ही महीना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट क्यू एस पी वी आर यू डब्ल्यू टी बन चुका है। तो ये एक पजल था जो मैं आपके लिए लेकर आया था, मैंने आपको कहा था जैसे जैसे हमें पजल्स मिलते रहेंगे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मंथ बेस पजल था, 3 से 4 मिनट में आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते थे, इजी इजी लेवल के साइड में बोलूंगा। अगर आप केसेस बनाने में नहीं हिचकिचाते तो आराम से 3 से 4 मिनट में ये पजल सॉल्व कर सकते हैं। इस पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे SBI POPRE 2019 में। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।